नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्व साइकिल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देशवासियों से आग्रह किया कि टिकाऊ और स्वस्थ जीवन शैली के लिए वे महात्मा गांधी से प्रेरणा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीसरे उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में राज्य में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 55,000 वोटों से मात दी। केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीत LDF को बड़ा झटका देते हुए विपक्षी कांग्रेस UDF ने त्रिकारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य का आरोप लगाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा सहित दल के शीर्ष नेताओं ने शुक्रवार को उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी और विश्वास जताया कि इस पहाड़ी प्रदेश की प्रगति के लिए वे और कड़ी मेहनत से काम करेंगे। ED ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए उनके समक्ष 13 जून को पेश होने के लिए नए समन जारी किए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जांचकर्ताओं को बताया है कि कनाडा में रहने वाले गोल्डी बराड़ समेत उसके गिरोह के सदस्यों ने साजिश रचकर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल के बाद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। भारत में 84 दिन बाद एक दिन में COVID-19 के 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,68,585 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 21,177 पर पहुंच गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ दिन बाद शुक्रवार को उनके घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत में लोगों के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अमेरिका दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाता रहेगा। अमेरिका के आयोवा प्रांत में अमेज शहर में वीरवार रात एक व्यक्ति ने एक गिरजाघर के बाहर दो महिलाओं को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की खिंचाई की। भारत ने कहा कि पड़ोसी देश इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कोई राष्ट्र नरसंहार और जातीय सफाई जैसे गंभीर अपराधों पर जवाबदेही से बचता रहता है। भारतीय धुरंधर विश्वनाथन आनंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के क्लासिकल वर्ग में अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए तीसरे दौर में चीन के वांग हाओ को हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। नमस्कार।